इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे मुल्क भर में एक ही आवाज़ चल रही है, एक ही हवा चल रही है कि तबलीग जमात निज़ामुद्दीन मरकज़ को लेकर मुख्तलिफ खबरें आज भी सुबह से शाम तक चलाई जाती हैं, कई डिबेट्स हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका के ज़िम्मेदार मौलाना बिलाल साहब, जो तबलीगी जमात के ज़िम्मेदार हैं, दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन से उनका रब्ता है। तो हम उनसे कुछ सवालात लेकर हम यहाँ उनके यहाँ पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आपका इस चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल मौलाना बिलाल साहब। जिस तरह से तबलीग जमात को निशाना बनाया जा रहा है, दिल्ली मरकज़ को निशाना बनाया जा रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि मौलाना साहब भाग गए हैं, वो सामने नहीं आ रहे, तो तमाम तफसीलात इसके बारे में आप जितना भी जानते हैं बताइए। सबसे पहली बात तो मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली से जितने साथी जाकर आए हैं 1 मार्च से लेकर आज तक जो भी साथी आए, यानी लॉकडाउन तक 22 मार्च या 23 मार्च तक, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के कानून और पुलिस के हिदायत के मुताबिक हमारे वो साथी जो जितने हैं चेकअप करा चुके हैं और इंसुलेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और बाकी कोई अगर साथी है तो ज़िले बेलगाम और सूबे कर्नाटक के तमाम अजला के लिए हमारी तरफ से अपील और पैगाम है कि अगर कोई साथी बाकी है तो पुलिस को कोऑपरेट करते हुए हैं, वो तमाम साथी खुद जाकर चेकअप अपना करा लें ताकि हुकूमत को भी इत्मीनान रहे और पुलिस भी माशाल्लाह जैसा हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं हम भी कोऑपरेट करें। क्योंकि चेकअप कराने का मकसद ये नहीं है कि भाई बीमारी मौजूद है करके, बल्कि चेकअप कराना अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए और गांव और शहर और पूरे मुल्क के लिए ये एक टेस्ट है, अपने सेफ्टी के लिए कर लेना हर एक के लिए ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जो सामने मीडिया जो बता रहा है कि ये निज़ामुद्दीन मरकज़ की वजह से ये बीमारी फैली है, इसलिए हम एहतियातन सब चेक करा लें जो जाकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है हमारे अक्सर साथियों ने चेक करा लिया है, फिर भी जो बाकी हों करा लें। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो आपने सवाल किया कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को जो निशाना बनाया जा रहा है, मरकज़ निज़ामुद्दीन माशाल्लाह 100 साल से ज़्यादा तकरीबन ये तबलीग जमात की मेहनत हिंदुस्तान और 205 ममालिक में दावत तबलीग का काम, कवानीन हर मुल्क के कवानीन की पूरी रियायत रखते हुए और हुकूमत और पुलिस के पूरे हिदायत के मुताबिक इज्तमात हों या हमारे जोड़ हों, बिल्कुल हर चीज़ की खबर हम पुलिस को देते हैं। इस तरह के उनके सामने सारी चीज़ रखते हैं कि भाई कितना मजमा आने वाला है, हमारा इंतज़ाम कैसा है, सारी चीज़ आज भी हमारे पास लिखावट के साथ हर शहर में, हर ज़िले में, हर सूबे के पुलिस स्टेशन में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। और मरकज़ निज़ामुद्दीन को जो निशाना बनाया जा रहा है अचानक लॉकडाउन होने की वजह से, क्योंकि हमारा मसला ऐसा है कि हमारी जमातें मुस्तकिल दीन सीखने के लिए मस्जिद से मस्जिद जाती रहती हैं हर शहर में। तकरीबन हिंदुस्तान में 60-70 हज़ार से ज़्यादा मसाजिद हैं, तो एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद, अचानक लॉकडाउन होने की वजह से उधर से PM साहब का ये ऐलान हो गया, हमारे वज़ीर आला का ऐलान हो गया कि जो जहाँ हैं वहीं रह जाएँ। तो जो मस्जिदों में थे बेचारे वो कैसे आएँगे कि एक दिल्ली से निकल के किसी को केरला जाना है और किसी को मेवात से निकल के कर्नाटक आना है, किसी को दिल्ली से निकल के आंध्रा जाना है। तो बहुत से साथी बेचारे मस्जिदों में रुक गए। साहब जब PM साहब का एक ऐलान होगा कि साहब आप यहीं रुको, तो हम लोग रुक के अपने अपनी जमातों का हमने उनका इंतज़ाम किया खाने पीने का। उसके बाद बहुत सी बातें मीडिया चला रहा है कि साहब ये मरकज़ की वजह से हुआ, जमातियों की वजह से हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हुकूमत के कानून की पूरी रियायत रखी है और PM साहब की बात की पूरी अहमियत रखते हुए हमने जमातों को मस्जिदों में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमातें जैसा जैसा पुलिस की तरफ से और पुलिस स्टेशन की तरफ से बात आती रही कि जमातों की पूरी खबर दो कितनी जमातें, हमने पूरी जमातें उसके अमीर उसके नंबर पूरे हमने प्रशासन को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और रही दूसरी बात जो आपने ये सवाल किया मौलाना साहब साहब के बारे में, ये हमारे कौम के एक बड़े इमाम अमीर तबलीग जमात के पूरी दुनिया के ये अमीर हैं माशाल्लाह। आज ये नहीं बल्कि इनके बाप दादा से
तकरीबन 700 से 800 साल से हिंदुस्तान में इनकी दीनी खिदमत रही और इनके ख़ानदान की बाकायदा कुर्बानियाँ रहें। ये उन्हीं की औलादें हैं जो हिंदुस्तान में चोरी डकैती और पूरी दुनिया में चोरी डकैती खयानत बाज़ारों में लूटमार और जिना के अड्डे जो थे, हज़ारों जिना के अड्डे, हज़ारों चोरियाँ, हज़ारों खयानतें जो थी बाज़ारों से ख़त्म हो गई। इसी तबलीग जमात की बरकत से माशाल्लाह कई लोग सुधरे और अमानतदार बने, अपने घरों को संभाला, मोहल्लों को संभाला, दीनदार बने। यही वो जमात है जिनके बाप दादा की मेहनतों से आज ये पूरी दुनिया में ही हुआ। आप सारी दुनिया के जो जो वाकयात हैं वो सबके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं के पोते हैं मौलाना साहब। ये भागने वाले नहीं हैं जो कह रहे हैं कि भाग गए, बल्कि वो डॉक्टरों के मशोरे से क्वारंटाइन लिए हुए हैं। इंशाल्लाह अन करीब जो मीडिया हरकतें किया है वो सबके सामने, इंशाल्लाह थोड़े दिन में जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, वकील के तौर जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा इस वक्त जो हमने वहाँ केस दर्ज किया है, इंशाल्लाह वो केस जैसे ही सामने आएगा और सारी चीज़ें जो निज़ामुद्दीन वालों की तरफ से भी वकील के तौर केस किया गया और हमारे जमीयत उलमा की तरफ से भी केस किया गया और भी हिंदुस्तान में हमारे बेंगलोर और हैदराबाद और बॉम्बे और इसी तरह कई यूपी के इलाकों से, एमपी से, कई जगह से केस पेश किया कि ये हम मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए मरकज निज़ामुद्दीन को बहाना बनाया गया है। इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें कि मौलाना साहब का और उनके जो जिम्मेदार हैं मरकज़ के, वो सारी चीज़ें सबके सामने इंशाल्लाह अनकरीब आएगा। अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अचानक लॉकडाउन होने की वजह से, सारी चीज़ें बंद होने की वजह से सब परेशान है। हम सब कोऑपरेट करते हैं, हुकूमत को और पुलिस को और ज़िले बेलगाम की सारी पुलिस, माशाल्लाह एसपी हो, आईजी हो, और सब ने माशाल्लाह हमारा ताउन किया और हमारे यहाँ के बेलगाम के जो बड़े बड़े हमारे ज़िम्मेदार हैं, नवीद भाई, आज़ीम भाई, अंजुमन इस्लाह मुस्लिमीन जो हैं जिसमें हमारे राजू सेठ हैं, अब्दुल गफूर घी वाले हैं और कादर भाई हैं, वो माशाल्लाह बड़ा ताउन हमारे नौजवानों को या जमातें जो गई हैं उनको लाला के हुकूमत के सामने और हॉस्पिटल ले जाकर उनके पूरा टेस्ट कराना, सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा हमारी ये खिदमत बाकी रहेगी और शहर बेलगाम वालों के लिए भी और ज़िले बेलगाम और कर्नाटक के सारे अजला के लिए, बल्कि पूरे मुसलमानों के लिए अपील है कि माशाल्लाह घबराए ना, टेस्ट कराते रहें और इंशाल्लाह जिस बीमारी तो अल्लाह की तरफ से है, जिसकी मौत है यकीनी है, जिसके हयात है यकीनी है, इसी पे हमारा ईमान है। और सारे मकातिब फ़िक्र जितने हैं हिंदुस्तान में या ज़िले बेलगाम में, ख़ास तौर से जिन्होंने जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत वल जमात है, माशाल्लाह तबलीगी जमात है, सब ने माशाल्लाह हम मिलकर ये ताउन कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। हम सब एक हैं। मुसलमानों पर जो भी हालात आएँगे इंशाल्लाह, या मुल्क पर जो भी हालात आएँगे इंशाल्लाह, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इंशाल्लाह ताउन करेंगे। इस मुल्क को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह हम उलमा और हमारी ये कमेटियाँ और इसी तरह सोशल वर्कर कमेटियाँ, जितने भी हमारे नौजवान हैं ज़िले बेलगाम और शहर बेलगाम के, हम सब इसके ताउन के लिए आगे बढ़ के इंशाल्लाह ताउन के लिए तैयार इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना बिलाल, जिन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि कानूनी कार्रवाई भी जारी है अरशदबंदी की जानिब से, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से और दिगर तंजीमों की जानिब से भी कई सारी जगह पर मुकदमे दायर कर चुके हैं। महाराष्ट्र में भी मुकदमे दायर कर चुके हैं। तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 300 के से करीब जो है मुकदमे मीडिया पर दायर कर चुके हैं, जिसमें रजत शर्मा है, फिर इंडिया टीवी, जी टीवी और आज तक दिगर जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने सुबह शाम इसके ऊपर डिबेट चलाई और कोरोना जिहाद और कोरोना मुस्लिम और मुस्लिम टेररिज्म जैसे हैशटैग इन्होंने चलाए, इसका भी उन्होंने इसके अंदर जिक्र करते हुए उन पर मुकदमे दायर करने की बात कही। और भी कुछ रहा तो उन्होंने ये भी कहा कि तबलीग जमात 100 साल के खिदमत अंजाम दे रही है और मौलाना साद भी भागने वाले नहीं, वो क्वारंटाइन है और ज़ेर निगरानी है। ये भी तमाम तर सवालों के उन्होंने जवाब दिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। और